नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं डीएमटी न्यूज। आइए देखते हैं महानगर पालिका से जुड़े कुछ समाचार। सुनो मेरी बात, गाड़ी निकाल ले, रुक मेरी बात, रुको, तू गाड़ी निकाल अपनी, निकाल रहा हूँ। हनुमान नगर वासियों का टूटा संयम, जहाँ पहले से ही आजाद चौक सुगम में रास्ते पर लगाए गए चिकन मटन के ठेलों के चलते ट्रैफिक समस्या हो रही थी, वही दारूबंदी उठाने उपरांत हाल ही में आजाद नगर चौक स्थित हनुमान नगर जाने वाले मार्ग से सटी हुई जगह पर वाइन शॉप खोला गया है, जिसके चलते हनुमान नगर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखते हैं क्या कहना है हनुमान नगर के नागरिकों का। मैं हनुमान नगर से राहुल बेले। हनुमान नगर में यहाँ पर आज से वाइन शॉप शुरू हो चुकी है। वाइन शॉप शुरू होने के वजह से हनुमान नगर वासियों को जो तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ एकदम लिमिट के बाहर हो चुकी है। मैं हटाता हूँ गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी हटाने के लिए जगह नहीं है। ये रास्ते के ऊपर में जो पार्किंग है ना, ये पार्किंग की वजह से हनुमान नगर वासी आ जा नहीं सकता है बाहर। हनुमान नगराच्या प्रवेश द्वारावर जे आजपर्यंत दारूबंदी असल्यामुळे दारूचं दुकान बंद होतं, पण तत्पूर्वी ज्यावेळेस दारूचं दुकान सुरू होतं त्यावेळेस अनेक या ठिकाणी असणाऱ्या परिवारातील महिलांना तसंच मुलींना देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रास झालेला आहे। पण आज दुकान सुरू झालं, दुकान सुरू झाल्यानंतर या ठिकाणी जे वातावरण निर्माण झालं, कारण मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी, म्हणजे हनुमान नगरामध्ये येणाऱ्या माणसाला सुद्धा म्हणजे प्रवेश करण्यासाठी सुद्धा रस्ता नव्हता, गाड्या कुठून टाकणार आहे, कारण प्रत्येक दारू पिणारा माणूस तो गाड्या रस्त्यावर ठेवत होता। त्याच्यानंतर दारू पिऊन येणारा जो माणूस असतो तो वेगवेगळ्या भाषेमध्ये बोलण्याचा, अवाच्य शिवीगाळ करण्याचा असा प्रकार देखील या ठिकाणी घडलेला आहे। त्यामुळे सरकारला विनंती आहे माझी की किमान ज्या ठिकाणी सगळे संस्कारशील लोक राहतात, या ठिकाणी अनेक परिवार आहे, चांगल्या घरचे लोक आहेत, आणि अशा घरच्या लोकांच्या परिसरातील परिवारातील लोकांना त्रास होऊ नये या दृष्टिकोनातून सरकारने हे जे दारूचं दुकान आहे किमान प्रवेशद्वारावर ठेवू नये, ते कुठे घेऊन जावं। आमचं म्हणणं आहे की दारूचं दुकान तुम्ही बंद करा, फक्त आमचं म्हणणं आहे की हनुमान नगराच्या प्रवेशद्वारावर हे दुकान असू नये। हनुमान नगर एरिया में आज यहाँ पर ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर वाइन शॉपिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन इस वाइन शॉपिंग के शुरू करने के वजह से हनुमान नगर और गणेश नगर का ये जो मेन रोड है, ये मेन रोड में यानी हनुमान नगर और गणेश नगर के जो जितने भी लोग हैं, इन लोगों को आने जाने को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वाइन शॉप को यानी जो भी लोग वहाँ पर दारू खरीदने जा रहे हैं वो सभी के सभी लोग हनुमान नगर के एंट्रेंस पर वहाँ पर दोनों साइड में अपनी टू व्हीलर्स पार्किंग कर रहे हैं। अब ये टू व्हीलर्स पार्किंग करने के वजह से यहाँ से हम लोगों की जो फोर व्हीलर है वो आ नहीं सकती, जा नहीं सकती है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है। वाइन शॉप में जो भी लोग दारू खरीद रहे हैं वो रस्ते के ऊपर में दारू की बॉटल खरीद करके जा रहे हैं, कोई तो रस्ते के ऊपर में दारू पी भी रहे हैं। इवन यहाँ पर जो हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के एरिया में भी यहाँ पर कुछ लोग दारू पी रहे हैं। तो आज हम लोगों का यहीं पर बहुत लोगों के साथ में झगड़ा भी हो चुका है। हम चाहते हैं कि महानगर पालिका ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जो ये इनलीगल तरीके से वाइन शॉप चल रही है, मैं इनलीगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंदिर के इतने पास में कभी वाइन शॉप नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इनलीगल बिल्डिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोड को पूरी तरह से अगर ध्यान में रखा जाए तो ये बिल्डिंग पूरी तरह से रस्ते के ऊपर आ चुकी है और इस बिल्डिंग का अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। अगर इसी तरीके से होता रहेगा तो हनुमान नगरवासी कहाँ जाएगा, हनुमान नगरवासी कैसे आवन जावन करेगा। तो इसीलिए महानगर पालिका ने और कलेक्टर ने इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए और ये वाइन शॉप जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जानी चाहिए। तो मैं सभी हम सभी हनुमान नगरवासी यहाँ पर नारा देते हैं कि बंद करो हनुमान नगर की वाइन शॉप, बंद करो हनुमान नगर की वाइन शॉप बंद करो। नमस्कार, मी हेमंत गुहे, राहणार हनुमान नगर। आज पासून हनुमान नगरच्या ह्या जिथे एंट्री होते जिथे पोलीस दवाखाना आहे आणि त्यानंतर तिकडे बाजूला चांडक मेडिकल आणि मेडिकलचे दुकान, याच्यामधून हनुमान नगरला जाण्यासाठी रस्ता आहे, त्या रस्त्यावरती आजपासून दारूचे दुकान वाईन शॉप सुरू झाले आहे। या वाईन शॉपच्याबद्दल सांगायचं झालं तर मागच्या वेळेससुद्धा कलेक्टरांना असे एक निवेदन जेव्हा दारू दुकान बंद झाले होते त्याच्यानंतर दिले होते की यापुढे इथे परमिशन देऊ नये।
त्याचं काय झालं तेही माहीत नाही, कारण की ते पत्र त्याच्यानंतर आम्हाला त्याच्यावरती काही उत्तर मिळालेलं नाही. आज तिथे शॉप सुरू झाल्यानंतर तिथे इतकी गर्दी होती आहे की त्या गर्दीमुळे पूर्ण रस्ता जाम, लोकांना येणं जाण्याचा त्रास. सगळ्यात महत्त्वाचं, या नगराची एक ख्याती आहे की जे सिव्हिल लाईन्स आणि चांगल्या एरियामध्ये गणलं जातं, आणि त्याच एरियामध्ये हे शॉप देताना परमिशन देताना किंवा परमिशन घेताना कोणी कोणी परमिशन दिल्या कृपया याचाही पण म्हणजे विचार करावा. माननीय कलेक्टर साहेब नंतर त्याच्यानंतर सेंट्रल एक्साईज ऑफिसर यांना विनंती आहे की आणि पोलीस विभाग SP साहेब यांना पण विनंती आहे की त्यांनी कृपया येऊन तिथली जागेवरची काय म्हणतात प्रेझेंट सिच्युएशन पाहावी, जे काय तिथे आता चालू आहे ते बघावं, आणि त्यानंतर स्वतःच विचार करून हे करावा की इथे दारूचं शॉप उघडलं जाऊ शकतं का किंवा काय. कारण बाजूलाच 100 मीटर पण नाही दवाखाना आहे, त्याच्या मागे हनुमानजीचं मंदिर आहे. हनुमान नगरचं मेन प्रवेशद्वार आहे, त्यावर येणारे लोक खूप अडचण होतात. आजूबाजूच्या सगळ्या लेडीज येतात. रहदारीचा रस्ता आहे, समज रोडवर गाड्या उभ्या करतात. बाजूवाल्यानं अतिक्रमण करून रोड छोटा करून ठेवला आहे आणि त्या बाजूला पुन्हा गाड्या उभ्या राहतात. लोकांना ट्रॅफिक अडचण होत आहे आजूबाजूला, आणि इकडे तिकडे सगळ्यात म्हणजे कुठे उभे राहायचं ना कुठे मुतायचं कुठे उलट्या करायच्या, हा सगळा प्रकार कसं काय सहन करणार आहे बाजू.